12416 इंदौर जाने वाली न्यू दिल्ली इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस बहुत ही फेमस ट्रेन है, हमेशा पैक रहती है, कभी खाली नहीं चलती। चलिए आज इसमें जर्नी करते हैं। ओवरनाइट ट्रेन है, देखते हैं कैसा इसका रन रहता है और कैसी इसकी पंक्चुअलिटी रहती है। कल सुबह पहुंच जाएगी, 9:50 पे शुरू होगी, तो देखते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहता है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर जर्नी शुरू करते हैं। तो ये अपनी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से शुरू होगी और यही मेरा कोच, नहीं ये नहीं, इसके बाजू वाला S4 मेरा कोच है। इस ट्रेन में 3 AC, 2 AC, जनरल, स्लीपर, फर्स्ट AC सारे कैटेगरी ऑफ कोचेज हैं और ऑलमोस्ट सब फुल चलते हैं। चलिए कोच के अंदर चलते हैं, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है ट्रेन को छूटने में। तो हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से एकदम टाइम पे चल दी है और ऑलरेडी हमारी ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं। देखते हैं, नज़दीक में ही पहला स्टॉप भी है जो है हज़रत निज़ामुद्दीन। चलिए मिलते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन पे। तो अपनी ट्रेन पहुंच गई है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन 10:10 पे। ये इसका पहला स्टॉप है कई सारे हॉल्ट्स में से। खैर ओवरनाइट ट्रेन है तो ज़्यादा हॉल्ट्स पता नहीं चलते, लेकिन फिर भी देखते हैं कि रात की नींद कैसी रहेगी। अब इसके बाद थोड़ा आराम करेंगे और फिर सीधा सुबह उठेंगे। नागदा से पहले तो उठ ही जाऊँगा मैं, क्योंकि नागदा आएगा शायद 7 के बाद। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग, और रात तो अच्छी थी, ठंड अच्छी खासी लगी, लेकिन सामान था तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम पहुँचे हैं नागदा, नागदा का स्टेशन है और यहाँ पे होगा लोको रिवर्सल, तो चलिए वहाँ चलते हैं। ट्रेन एकदम टाइम पे है, तो इवन दो बहुत सारे स्टॉप्स हैं फिर भी ट्रेन टाइम पे है। तो अब देखते हैं कभी डिटैच होता है और फिर कभी अटैच होता है और कितनी देर में छूटती है। टाइम काफ़ी लगता है, करीबन 15-20 लग जाते हैं। अब देखते हैं कभी अपने टाइम पे छूटती है कि नहीं। यहाँ से इसके ज़्यादा स्टॉप्स भी नहीं है और अब यहाँ से लोग उतरना भी शुरू कर देंगे। अगला जो स्टेशन है वो तो बहुत ही बड़ा स्टेशन है, उज्जैन जंक्शन। तो अभी अवंतिका एक्सप्रेस पीछे आ रही है। अगर आपने मेरा अवंतिका एक्सप्रेस का व्लॉग देखा होगा तो जब वो नागदा पे अराइव कर रही थी तभी यही न्यू दिल्ली इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस का लोको रिवर्सल हो रहा था। चेकआउट ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के बाद। और अब ये अराइवल इसका होने वाला है जो है अवंतिका एक्सप्रेस। ये पहले ही छूटेगी, भी पिछली बार भी जब मैं ट्रैवल कर रहा था ये पहले ही छूटेगी। और ये हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल हो रहा है, तो यही लोकोमोटिव दिल्ली से आया था और अब ये जाएगा दूसरी तरफ और अटैच होगा और फिर हमारी ट्रेन नागदा से चलेगी। नागदा जंक्शन पे काफ़ी ट्रेन्स का लोको रिवर्सल होता है जो इंदौर से आती है और जिन्हें नई दिल्ली की तरफ जाना हो या कोटा की तरफ जाना हो, तो हमारी भी ट्रेन उनमें से एक है। अब इसके बाद तो जैसे मैंने आपको बताया कि उज्जैन पे अगला स्टॉप है इसका, ट्रेन मेरे समझ से वहाँ पे भी टाइम पे ही होनी चाहिए। अभी अनाउंसमेंट हो रहा था देहरादून बांद्रा टर्मिनस जो चलती है, वो तो हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस होती है, वो नागदा पे आने वाली है। चलिए देखते हैं उससे मुलाकात होती है कि नहीं यहाँ से डिपार्चर होते हुए। ये 19020 हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस बिफोर टाइम नागदा जंक्शन पर पहुँच रही है 10। अब इसके बाद हमारी ट्रेन पहुंचेगी उज्जैन जंक्शन। चलिए मुलाकात करते हैं उज्जैन पे।
8:27 हो चुका है, ट्रेन पहुंची है उज्जैन जंक्शन, थोड़ा सा लेट, ज़्यादा डिले नहीं है, ये इसका सेकंड लास्ट स्टॉप है। और जो सामने ट्रेन W84 लोकोमोटिव के साथ है वो है नर्मदा एक्सप्रेस, वो मेरे समझ से शायद 10 मिनट बिफोर टाइम आई है। और उज्जैन पे तो सभी ट्रेन रुकती है, मुझे तो नहीं पता है कोई ट्रेन उज्जैन पे बिना रुके जाती है, यहाँ तक कि टोरंटो भी रुकती है। अब जब ट्रेन यहाँ से छूटती है तो मैं इसके सारे स्टॉप्स के नाम गिना देता हूँ, आपको याद रखना बहुत मुश्किल है इतने सारे स्टॉप्स हैं, वरना आप कहेंगे यार स्टॉप बहुत सारे बोला लेकिन बताया नहीं। खैर सुन लीजिए सारे स्टॉप्स और इसके बाद हम मुलाकात करेंगे देवास पे। उज्जैन बहुत बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का और यहाँ पे कुंभ का मेला भी होता है, कपड़े का भी व्यापार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर। और यहाँ पे मुंबई इंदौर टोरंटो भी रुकती है, वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और आप वो जर्नी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए डिपार्चर देखते हैं और फिर मिलते हैं देवास पे। वो हमारी ट्रेन उज्जैन से चल दी है, 5 ही मिनट लेट है। चलिए मैं आपको सारे स्टॉप्स बता दूं। इसका सबसे पहला स्टॉप है हज़रत निज़ामुद्दीन, उसके बाद ये रुकती है मथुरा जंक्शन, फिर भरतपुर जंक्शन, फिर बयाना जंक्शन, फिर गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, गरोत, शामगढ़, सुवसरा, चौमहला, विक्रमगढ़ आलोट, माहिदपुर रोड, नागदा जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, देवास जंक्शन। तो करीबन आप समझ सकते हैं कि 18-19 हॉल्ट हैं इस ट्रेन के, आई होप और ना बढ़े। चलिए मिलते हैं देवास पे। तो हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली इंदौर इंटरसिटी का फाइनल हॉल्ट देवास जंक्शन, यहाँ पे ट्रेन 9:25 पर पहुँची। यहाँ से दूरी ज़्यादा तो नहीं इंदौर की लेकिन टाइम भी अच्छा खासा है, तो मेरे हिसाब से 10:05 पे जो इसका स्केड्यूल टाइम है तब इंदौर पहुँच जाना चाहिए। तो हमारे फाइनल स्टॉप देवास जंक्शन से हमारी ट्रेन चल रही है 5 मिनट लेट। सोयाबीन के व्यापार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो पहले थोड़ा सा पहुंचती हमारी ट्रेन से लोग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइएगा और लोगों तक पहुंचेगा। तो फीडबैक को सजेशन देना हो कमेंट सेक्शन पे यूज करिए। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।